Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing amazing. So, मैं सोची थी कि मैं सुबह उठकर आज पूरे दिन का मैं व्लॉग शूट करूंगी, बट मैं जब सुबह उठी तो फिर मुझे फील हुआ कि अरे यार मैं क्या व्लॉग बनाऊं? लॉकडाउन चल रहा है, इट हैज बीन ऑलमोस्ट 4 months, 4 महीने हो गए हैं हम ऐसे ही घर पे रह रहे हैं एंड सेम हिसीपिटी लाइफ चल रही है. वही सुबह उठ रहे हैं, खाना बना रहे, खाना खा रहे हैं, घर पे रह रहे हैं. तो सेम चीज अगर आपको बार बार दिखाऊंगी तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे, राइट? सो फिर मैं सोची कि व्लॉग नहीं बनाऊंगी एंड कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट ढूंढती हूँ. एक तो कोरोना का टेंशन है ही, ऊपर से ये बोरिंग लाइफ भी पता नहीं कब तक लंबा चलेगी. तो अभी मैं टाइम दिखाती हूँ आपको कितने बज रहे. सो अभी टाइम हो रहा है 5:15. आई होप क्या आप लोग देख पा रहे हैं. यस, सो अभी हो रहा है शाम के 5:15 है. मैं अपना व्लॉग शाम को स्टार्ट कर रही हूँ. सो मैं थोड़ा सा डल फील कर रही थी एंड मैं कहीं पे पढ़ी थी कि कुकिंग इज ए बेस्ट थेरेपी. अगर आप डल हो या फिर आप अपसेट हो तो आप काफी सारे थेरेपी यूज कर सकते हैं अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए. जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो वर्क एज ए थेरेपी. एंड आप गार्डनिंग कर सकते हो, आपके हॉबी परस्यूट कर सकते हो. सो उस तरह के ये एक कुकिंग थेरेपी है. तो मैं सोची कि चलो क्यों ना मैं कुकिंग ही कर सकती हूँ अभी लॉकडाउन में, और क्या कर सकते हैं. सो मैं सोची कि क्या बना. सो रोज का जो खाना वही मैं बनाना नहीं चाहती थी, कुछ नया बना के एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी. तो कुछ दिन पहले मैं एक रेसिपी एक मैगजीन में पढ़ी थी. मैं कभी वो रेसिपी ट्राई नहीं की हूँ, आज पहली बार है मैं ट्राई करने जा रही हूँ. मुझे नहीं पता वो रेसिपी कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, बट ऑन द कैमरा ही मैं बनाऊंगी. सो नई रेसिपी मैं ट्राई करूंगी, इसके लिए थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही है अभी. वो बोलते हैं ना, अगर किसी के दिल तक पहुंचना है तो उसका रास्ता उसके पेट से होके जाता है. तो कुकिंग इज ए बेस्ट थेरेपी. मैं काफी टाइम ट्राई की हूँ, जब भी मूड ऑफ होता है कुकिंग करने के बाद उसका जो आउटकम होता है, अगर डिश अच्छा बनता है तो बहुत ही हैप्पी फील होता है. सो बहुत ज्यादा ज्ञान बांट लिया, अभी चलते हैं शुरू करते हैं. सो अभी मैं बनाऊंगी मैंगो कस्टर्ड पुडिंग. वैसे काफी तरह के पुडिंग बनती है, बट ये कस्टर्ड पाउडर यूज करके बनाऊंगी. सो देखते हैं कैसे बनता है. मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद, तब तक मैं सारा इंग्रेडिएंट निकाल लेती हूँ. सो मैं जरूरत की चीजें यहाँ पे निकाल ली हूँ. सो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए. सो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप शुगर, आधा कप कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला फ्लेवर की है. आप चाहे तो प्लेन भी ले सकते हैं, या फिर इसके बदले में आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं. एंड यहाँ पे मैं ली हूँ थोड़ा से काजू किशमिश एंड थोड़े से इलायची पाउडर. एंड ये मैं टॉपिंग के लिए थोड़े से ड्राई चेरी यूज कर रही हूँ. आप चाहे तो आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट के साथ आप इसको टॉपिंग कर सकते हैं. एंड मैं यूज कर रही हूँ 2 आम. सो बस हमको इतना ही इंग्रेडिएंट चाहिए. सो ये था सारे इंग्रेडिएंट्स. सो चलिए शुरू करते हैं कुकिंग, एक्सपेरिमेंटल कुकिंग. सो सबसे पहले जो मैं 2 आम ली थी उसको काट कर उसका पल्प निकाल के रखूंगी. इस तरह से मैंने सारे पल्प निकाल लिया है. सो सबसे पहले मैं एक ब्लेंडिंग जार ले रही हूँ एंड इसमें ऐड करूँगी 1 कप शुगर एंड इसको ब्लेंड कर लूँगी.
ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड अभी उसी जार में मैं ऐड करूंगी जो मैंगो के पल्प हमने निकाल के रखा था उसको, एंड फिर से इसको ब्लेंड कर लूंगी। एंड अभी फिर से इसमें डालूंगी आधा कप कस्टर्ड पाउडर एंड इसको भी फिर से ब्लेंड कर लूंगी। सो हमारा फाइनल मिक्सचर कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड अभी मैं इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर दी हूँ। याद रहे कि कढ़ाई को चूल्हे पे नहीं रखना है अभी। एंड अभी मैं ऐड करूंगी 1 कप वाटर एंड इसको अच्छे से मिलाऊंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी, जैसे कि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई गांठे ना रहे। एक प्लेट में थोड़े से घी लगा के उसको मैं ग्रीस करके रखूंगी ताकि जब हमारा पुडिंग बन जाए हम इस थाली में इसको ट्रांसफर करेंगे एंड वो पुडिंग थाली में चिपके ना। एंड अभी मैं गैस ऑन करके वो कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। एंड हमें कंटिन्यूसली इसको चलाना चाहिए, कंटिन्यूसली इसको चलाना होगा ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो नीचे ना चिपके, जले ना। थोड़ी देर चलाने के बाद ये मिक्सचर थोड़ी सी गाढ़ी बन चुकी है। एंड अभी सही टाइम है, इसमें हम ऐड करेंगे काजू किशमिश के टुकड़े या फिर आप आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। एंड डालेंगे थोड़े से इलायची पाउडर एंड फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहिएगा कि इसको कंटिन्यूसली चला के रखना है ताकि ये नीचे ना चिपके, नीचे का हिस्सा ना जले। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी। ये ऑप्शनल है, आप चाहिए तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ घी एंड फिर से अच्छे से इसको चलाएंगे ताकि नीचे ना चिपके। कंटिन्यूस चलाते रहना ही इस डिश का, इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी आप देख सकते हैं कि चम्मच से किस तरह से ये रुक रुक के गिर रहा है, तो बस हमको इस तरह की कंसिस्टेंसी ही चाहिए पुडिंग के लिए। और इससे अगर हम ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो ये हलवा बन जाएगा। सो अभी मैं गैस को बंद कर रही हूँ। तो पहले थाली को ग्रीस करके घी से हमने रखा था उसी थाली में पुडिंग को ट्रांसफर कर लेंगे ताकि वो ठंडा हो सके। एंड अभी मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से पैट कर लूंगी एक दो बार ताकि वो अच्छे से फैल जाए। एंड अभी टाइम है इसको गार्निश करने का। एंड गार्निश करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ थोड़े से ड्राइड रेड चेरी। आप आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट से या फिर कुछ भी टॉपिंग के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको उसके ऊपर मैंगो के टुकड़े काटकर गार्निश कर सकते हैं या फिर रोस्टेड कोकोनट पाउडर से गार्निश कर सकते हैं, आलमंड पिस्ता कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। एंड अभी इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख लूँगी ताकि वो ठंडा होके अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। मैं चेरी को थोड़ा इस तरह से दबा रही हूँ ताकि वो अच्छे से चिपक जाए।
एंड ठंडा होने के बाद मैंने इस तरह से 3 बाउल में इसको निकाल लिया है एंड ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी टाइम है इसको टेस्ट करने का एंड सोना यहाँ पे खेल में इतना बिजी है कि वो राजी नहीं हो रही है खाने के लिए। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ उसको खाना खिलाने के लिए। एंड यहाँ पे पीछे से मेरे मामा बोल रही है कि कस्टर्ड अच्छा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है। सो ये था मेरा आज का वीडियो एंड रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर घर पे कोई गेस्ट आते हैं या फिर कोई त्योहार आता है तो ये डेजर्ट आप जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड आप लोग घर पे टाइम कैसे स्पेंड करते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड आपके एरिया का सिचुएशन कैसा है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो दैट। एंड या और क्या बोलूं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड आल्सो बेल आइकन हिट करने के बाद ऑल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। And follow me on Instagram and Facebook page as well. All the links are in the description box. So I will see you super soon in my next video. Till then, bye bye. Take care. Bye bye, Kudu. Bye bye, Kudu. Bye. Bye bye. Take care. Bye bye. Take care.